तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड, मेरा नाम है रंजन शर्मा और आप देख रहे हैं टट्टू टेक मोबाइल। तो फ्रेंड, अगर आपके व्हाट्सएप के अंदर ऐसे कोई भी ऐसे कुछ इस तरह से बारकोड आपको ऐसे भेजा हुआ है कि भाई फोन पे आप कर दो या पेटीएम कर दो, जो भी आपका ऐसे बार कोड ऐसे भेजा हुआ है उस पर पेमेंट ऐसे करने के लिए, लेकिन जिसमें आपका ऐसे बार कोड भेजा हुआ उसी मोबाइल से आपको ऐसे पेमेंट ऐसे करना है, तो कैसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऐसे कोई फोटो हमें ऐसे बार कोड का ऐसे भेजा हुआ है और इसी मोबाइल से हमको ऐसे पेमेंट ऐसे करना है, तो कैसे हम इस मोबाइल से इसी बार कोड से ऐसे पेमेंट ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बार को आपको ऐसे स्क्रीनशॉट कर लेना है या आपको इस बार कोड को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इस पर स्क्रीनशॉट इसको ऐसे कर लिया हूँ। अब स्क्रीनशॉट करने के बाद अब हम लोगों को इसको ऐसे कट कर लेना है और हम लोगों को ऐसे अपना ऐसे फोन पे एप्लीकेशन को ऐसे ओपन करना है। तो चलिए इसको फोन पे एप्लीकेशन ओपन हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोगों से लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोगों को अब क्या करना है, जो स्कैन करने वाला ऊपर में ऑप्शन देता है उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका ऐसे कैमरा इस तरह का ओपन हो जाता है आपको ऐसे बार कोड स्कैन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कॉर्नर में फोटो का ऑप्शन आ रहा होगा, यानी कि फ्रेम जैसा ऑप्शन आ रहा होगा, इस फ्रेम वाला ऑप्शन पे हम लोगों को ऐसे एक बार ऐसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड, अब आपके पास जो भी QR कोड आपने ऐसे डाउनलोड किया या अपने ऐसे स्क्रीनशॉट किया है जिसको पास भेजना चाहते हो उसको ऊपर फोटो के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हमें ऐसे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से देख सकते हो पे करने का ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपने अनुसार जितना आपका पे करना है वो कर सकते हो, UPI आप ऐसे डाल सकते हो। तो इस तरह से आप ऐसे QR स्कैन करके आप ऐसे पेमेंट ऐसे कर सकते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ भी नहीं जाता है।